मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म काल में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 17 मार्च 2024, शालिवान शक 1945 संवत्सर, शोभन आयन उत्तर ऋतु शिशिर मास फागुन पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की अष्टमी तिथि है, रात 9:53 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी, वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का मृग नक्षत्र है, शाम 4:47 के बाद आद्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आयुष्मा योग है, शाम 5:05 के बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है, सुबह 9:41 के बाद बहुकरण शुरू होगा और रात 9:53 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज कुंभ राशि में होंगे, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:46 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:48 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपकी दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर या फूल या फूल के पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प बोलना छोटा सा शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो रामे, प्रवर्त मानस ब्रह्म द्वितीय पराप श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतकर्णे मेरो दक्षिण दिग्पाले महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चाणक्य शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सर शोभन नाम संवत्सरे उत्तर आयने शिशिर ऋतु फागुन मासे शुक्ल पक्षे इतवार वासरे मृग नक्षत्रे आयुष्मा योगे विष्टिकरणे अष्टमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़ापा मोह पात्र दुरित क्षेत्र द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े जो अक्षत और फूल था वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:41 पर तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के संपन्नता के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले और नया संकल्प शुरू कर दे दोस्तों बोलना। और वो संकल्प में आप अपने जो धार्मिक विधि आप कर रहे हैं उसका उल्लेख अवश्य करें, तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद अपने तक पहुंचेगा, अपना जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दिनांक 17, 26, 27, 30 अप्रैल,
तारीख 1/3/5 गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17/18/19/20/26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17/19/26/27। अप्रैल तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17/20/27 अप्रैल तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17/27/30 अप्रैल तारीख 1/5 और 6। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दी है। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 19/20/21/27। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है 17/26/27/30 अप्रैल तारीख 1/3/4/5। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 20/27/30 अप्रैल तारीख 1/5 और 6। भूमि पूजन तथा पायाभरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21 और 30। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17/20/27 अप्रैल तारीख 5। दोस्तों ऊपर दिए गए मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है, इससे किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के द्वारा करें। और जब कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त ले, या अगौन या आपातकाल संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो क्या जानकारी है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 4 बजे के बाद अच्छा दिन है, उसके पहले नहीं। दिन विशेष दोस्तों दुर्गाष्टमी सुबह 9:41 तक भद्रा युग शुरू रहेगा दोस्तों। अब दुर्गाष्टमी करने के लिए आपको पूजा होने तक तो उपवास करना है दोस्तों। मंदिर जाकर दुर्गा माता की उपासना आपको करनी है, पंचोपचार पूजा करें या षोडशोपचार करें, और वहीं पर सभी सौभाग्य महिलाओं को आपको कुछ देना है प्रसाद, कुछ भी जो माता आपके लिए खुश हो जाए दोस्तों। और आरती प्रसाद आप भी वहां हाजिर रहकर आपको करना है दोस्तों। सुबह अभिषेक के समय अगर आप हाजिर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो दिन भर कभी भी आप पंडित जप रहे थे तभी जा सकते हैं दोस्तों। जो दुर्गाष्टमी ये इस व्रत का पालन करते हैं उनके लिए दोस्तों, दोस्तों ये भद्रा काल में भी आपको सुबह तक कुछ अशुभ कार्य नहीं करना, क्योंकि ये राहु का भद्रा है दोस्तों, राहु काल है। रात अग्नि धरती पर दोस्तों रात 9:53 के बाद हाजिर है, इसके लिए इस अग्नि का कोई उपयोग नहीं है दोस्तों, क्योंकि रात 10 बजे के बाद हम क्या करें, धार्मिक सेवा नहीं कर सकते। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में आप अपनी जो कि महत्वपूर्ण बात अगर रहेंगी वो तो आप इस काल को छोड़कर पूरा करेंगे दोस्तों, तब जाकर आपको उस काल में यश प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% शास्त्र मान्य और भक्तों के लिए वरदान होगी। अपने नाम पर
पुण्य जमा होता है, क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात जो है होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। शुभ कल्याण, हरिओम, शिवा महादेव।